लाइव स्नोफॉल देखना है, स्नो देखना है, तो रोहतांग पास फिलहाल तो क्लोज हो चुका है। रोहतांग पास कब ओपन होगा ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। रोहतांग पास जाने वालों के सपने अधूरे रहने वाले हैं 2024 में। जो 2024 में रोहतांग पास जाना चाहते थे वो अब अपना प्लान कर रहे हैं मई 2025 के बाद, क्योंकि रोहतांग पास हो चुका है क्लोज। पिछले कल ही एकदम से झटका हमें भी लगा नोटिफिकेशन जैसे ही आई, क्योंकि अभी तो रोड उतना खराब भी नहीं था, अभी तो ओपन रह सकता था कुछ दिन और, पर मौसम खराब होने की वजह से रोड को बंद किया गया। क्योंकि पिछली बार भी जब एकदम से मौसम खराब हो गया था तो 3-4 गाड़ियों के एक्सीडेंट हो गए थे, जिस वजह से इस बार तो पूरा रोड ही बंद कर दिया गया है हर प्रकार के व्हीकल के लिए। तो दोस्तों, रोहतांग पास अब आप नहीं जा पाएंगे, तो पर आज रोहतांग पास क्लोज है फिर इतनी लंबी लाइन क्यों है मुझे ये समझ नहीं आ रही है। मेरे पीछे 3 किलोमीटर की लंबी लाइन है, बाकी आगे भी लंबी लाइन है। इसका भी कारण है क्योंकि यहाँ पर आगे रोड पे टायरिंग हो रहा है, काम चला हुआ रोड पे, जिस वजह से हल्का सा जाम लगा हुआ है। तो बाकी आप देख सकते हो कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, अलग ही नज़ारे, अलग ही सन्नाटे हैं लोगों में। बाकी व्यू बहुत ही शानदार है, कल धोखा ही धोखा मिला है हमें। एक झटका तो पहले ये लगा कि लाइव स्नोफॉल नहीं हुई, दूसरा झटका ये लगा जैसे ही मनाली शाम को पहुंचे, वैसे ही देखा हमने, वैसे ही हमें दिखा, वाह ये क्या हो गया, रोहतांग पास क्लोज हो गया। हमारे साथ साथ लाखों लोगों के दिल पे भी झटके लगे हैं कल। बाकी देखते हैं आज क्या होता है, आज तो हम जा ही रहे हैं, लोग जिप्सियों में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा है, जा तो रहे जा कहाँ रहे हैं। अली से निकल के अभी मैं पहुंच चुका हूँ सोलांग वैली में, और सोलांग वैली के नज़ारे अभी भी खाली खाली पड़े हुए हैं। कल भी स्नोफॉल नहीं हुई, आज तो मौसम फिर से बन चुका है। आज है 1 दिसंबर 2024, और 1 दिसंबर 2023 में ये बैरिकेड जो है ये क्लोज हो गया था, क्योंकि यहाँ से आगे बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, सोलांग वैली में भी स्नोफॉल गिर रही थी दोस्तों। बाकी देखते हैं आज का दिन, पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, और 2024 में ये स्पेशल होता है या नहीं होता है, स्नोफॉल गिरती है या नहीं गिरती है। बाकी बने रहे रोड ट्रिप में, मज़ा आएगा आपको, रास्ते तो नज़ारे बहुत ही अच्छे। बाकी आज ओवर क्राउड यहाँ से ऊपर जा रहा है, क्योंकि मड़ी गुलाबा कोठी होकर रोहतांग पास का रास्ता क्लोज हो चुका है। तो आप गुलाबा तक और कोक्सर तक स्नोफ्लेक्स आज अटल टनल पे या सीसू या कोक्सर वाली साइड में तो देखने को मिल ही सकती है, क्योंकि सुबह मुझे खबर आ रही थी उस साइड से कि उस साइड मॉर्निंग में ही स्नोफ्लेक्स हो रहा था। कल तो सभी के सपने टूट गए, मेरे खुद के सपने टूट गए। मनाली से निकला था बड़ी आस लेकर कि स्नोफॉल गिरेगी, आस ऐसी टूटी जैसे शीशा हो या दिल हो आखिर में टूट जाता है, वैसी मेरी कल वाली आस टूटी है। बाकी आज फिर से मैं उसी उम्मीद में फिर से जा रहा हूँ उस तरफ कि आज स्नोफॉल मिल जाए, क्योंकि मौसम 3-4 दिन कंटिन्यू खराब बताया गया है। क्या पता कल नहीं हुआ तो आज होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। इसी आस के साथ हम आज एक बार फिर से जा रहे हैं स्नो देखने के लिए। फॉल 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 हो जाए तो हमारा तो ड्रीम पूरा हो जाए, साथ में आने वाले लोगों का भी ड्रीम पूरा हो जाएगा, जो लोग आए थे इन्फॉर्मेशन सुन के। साइड ब्लू स्काई और लाहौल वाली साइड अभी बादल छाए हुए हैं। इस मौसम का इस बार कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है, सारा क्लाइमेट चेंज सा लग रहा है। हमारे बचपन टाइम में तो इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती थी, मनाली में ही 7-7 फुट बर्फ गिरती थी दोस्तों, अब तो मनाली में इतनी कम स्नो गिरती है। जो लोग 2012-13 से पहले मनाली आ रखे होंगे घूमने विंटर में, उन्हें पता है मनाली में कितनी ज़्यादा बर्फ गिरती थी पहले। अब तो क्लाइमेट इतना चेंज हो गया कि स्नोफॉल तो टाइम से भी नहीं गिरती है, और गिरती भी है तो कभी कम गिरती है जब उसे गिरना ही नहीं चाहिए, जिससे क्लाइमेट को नुकसान होता है। स्नोफॉल का बेस्ट टाइम है अपना दिसंबर 15 के बाद स्नोफॉल एक बार गिरनी ही चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा,
उसके बाद जनवरी तक तो बहुत ज़्यादा गिरनी चाहिए, फरवरी, फिर मार्च अप्रैल में नहीं गिरनी चाहिए। अब तो ऐसा हो रहा है मौसम, जैसे कभी दिसंबर जनवरी में नहीं गिर रही है, फिर फरवरी में गिरती है, फिर मार्च अप्रैल मई में तक गिरती है। क्लाइमेट इतनी आगे चला गया। समय सारणी चेंज होती जा रही है। से आगे मुझे स्नोफॉल और स्नोफ्लेक्स दिख रहे हैं। दोस्तों आप खुश नसीब है अगर इधर ये स्नोफॉल हो रही है। यस स्नोफॉल, जल्दी भाग के आओ, स्नोफॉल मुझे मिल गई है। हल्के हल्के स्नोफ्लेक्स दिख रहे हैं अभी, हल्के हल्के लाइट लाइट। और अटल टनल के पास मॉल पूरा पूरा बना हुआ है। अटल टनल बकर थाज के बहुत ही नजदीक है, जिस वजह से इस साइड तो सबसे पहले ही शुरुआत हो जाती है। और मेरे गाड़ी के ऊपर भी स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं। आसार तो अब लग रहे हैं कि स्नोफॉल गिरेगी ही गिरेगी। कल नहीं गिरी है, आज मुझे 2-3 छींटे तो स्नो के दिखे, 2-3 दिखे हैं, मतलब बहुत सारे दिखने वाले हैं। सेम लोकेशन, सेम डेट और ईयर में चेंजिंग है। टनल के पास पहुंचे वैसे ही थोड़े ज्यादा दिखे, फिर खोपसर पहुंचे फिर और ज्यादा दिखे, फिर उसके बाद हम रोहतांग पास पहुंच ही गए थे। पर आज तो रोहतांग पास बंद है, पर सुनो मुझे लगता है आज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी मैं अटल टनल से काफी पीछे हूं, और मैंने बताया था आपको अभी जस्ट की स्नो फ्लेक्स आ रही है, अब तो और भी ज्यादा आ रही है। काफी स्नो फ्लेक्स यहां पर मुझे दिख रही है, शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रही होगी, पर आज तो काफी दिख रही है, बहुत ही ज्यादा। स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है एक बार फिर से। इधर बन चुका है पूरा माहौल स्नोफॉल का। अभी हम पहुंच चुके हैं अटल टनल साउथ पोर्टल एक बार फिर से, और आज ओवर क्राउडेड है अटल टनल मॉर्निंग में ही, क्योंकि रोहतांग दर्रा क्लोज है तो सभी लोग आज अटल टनल ही विजिट करने आए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो रश इतना है कि जाम ही लग पड़ा है, जाम ही लग चुका है यहाँ पे। और हल्की हल्की स्नो फ्लेक्स यहाँ पे भी आ रही है। अभी 2 मिनट ही मैं यहाँ रुका था, अच्छी खासी हमें स्नो देखने को मिली, जो हमारे साथ काफ़ी सारे लोग आए थे उन सभी को भी देखने को मिली। अगर किसी को देखने को नहीं मिली तो वो बैड कमेंट ना करे, ये स्नोफॉल थोड़ी देर के लिए हुई थी तो इसके खिलाफ आप वीडियो बना कर ऐसा ना कहें कि स्नोफॉल तो हुई नहीं थी, ये तो गलत बात है, स्नोफॉल हुई थी। बाकी अभी हम आगे जा रहे हैं, साउथ से हम क्रॉस करेंगे नॉर्थ की साइड को, शायद नॉर्थ वाली साइड आज स्नोफॉल हो रही है, साउथ में तो हल्की हल्की हो रही थी क्योंकि आज मॉल बना है नॉर्थ वाला, तो नॉर्थ वाले में क्या मॉल है तो दिखती है। तो लंबे समय के बाद मैं अटल टनल नॉर्थ पोर्टल में पहुंच चुका हूं, क्योंकि ये इतनी लंबी टनल है आज तो ऐसा लग रहा था सफर ही खत्म नहीं हो रहा है। और सुबह सुबह यहां पर स्नोफॉल हुई है, अभी भी हो रही है हल्की हल्की पहाड़ों में। चंद्रा ब्रिज से आप राइट लेते हो तो जाते हो खोपसर वाली साइड, तो खोपसर वाली साइड खोपसर तक आप विजिट कर पाओगे, और लेफ्ट लेते हो तो आप सीसू तक जा सकते हो, केलोंग जिस्पा भी जा सकते हो। बाकी हम राइट लेके जाएंगे खोपसर तक। ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल हुई सुबह सुबह मॉर्निंग में, और अभी भी यहाँ पर घने बादल छाए हुए हैं आज। बाकी स्नोफॉल होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो वो हमारी किस्मत, ये जो लिखा होगा वही होगा। तो यहाँ पहुँच कर गेस्ट हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश। कैसा लग रहा आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत। कहाँ से हो आप? इंदौर मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश से है तो गर्मी लग रही है आपको रोहतांग पास में? गर्मी लग रही है, काफी एंजॉय कर रहे हैं भैया के साथ। तो अभी हम वापिस आ रहे हैं कोकसर से मनाली की तरफ, और स्नोफॉल ने आज भी धोखा दे दिया। माहौल इतना अच्छा बना हुआ था, इतना मस्त बना हुआ था, लग रहा था बस अभी एकदम से इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो जाए मज़ा ही आ जाए, पर माहौल इतना बनने के बाद भी रुक गया, क्या ही बोले, स्नोफॉल फिर से रुक गई। यही दिन हम याद करते हैं पिछले साल का 1 दिसंबर, तो यहीं पे टनल के अंदर ब्रेक लग गई थी, गाड़ियां अंदर ही 300-400 गाड़ियां फंस चुकी थी इस दिन, रात भर रेस्क्यू करना पड़ा था गाड़ियों का, पर आज जैसा कुछ नहीं है। स्नोफॉल थोड़ी देर के लिए हमें तो देखने को मिली, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ ये कैसे देखने को मिली, हमारी किस्मत अच्छी थी इस वजह से हमें सुबह सुबह स्नोफॉल अटल टनल पे ही देखने को मिली, बाकी लोगों को हमारी रील में ही देखने को मिली, जो जो हमारे साथ उस टाइम पे थे उन सभी को भी देखने को मिली। बाकी अभी देखते हैं, टनल के अंदर हूँ, लाहौल स्पीति वाली साइड तो बिल्कुल भी स्नोफॉल अभी नहीं हो रही थी, क्लियर हो गया था मौसम, बाकी साउथ पोर्टल में देखते हैं मनाली वाली साइड क्या है माहौल, माहौल बना हुआ है या बिल्कुल रुका हुआ है। इतनी सारी ये गाड़ी आती है, सोचा आपने अगर आप यहाँ फंस जाओगे तो क्या होगा, बहुत ही परेशान हो जाओगे आप। हम पिछले साल टनल के अंदर फंसे थे, परेशान तो क्या, थोड़ी देर अजीब सा लगता है, बाकी आराम से आप फंसे रहेंगे आराम से, ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी कुछ नहीं होगा, खाली आप गाड़ी से उतर नहीं पाएंगे, गाड़ी से उतरना अलाउड नहीं है। अगर जाम में अगर आप यहाँ फंस गए तो गाड़ी से बिल्कुल भी ना उतरे, गाड़ी छोड़कर आगे पीछे आप ना जाए। लगता है उस साइड तो अंधेरा ही हो गया है, अंधेरा तो नहीं है, बिल्कुल शांत सा माहौल है। इस साइड भी स्काई क्लियर हो गया, जो स्नोफॉल बरसनी थी वो बरस चुकी है, जो स्नोफॉल बरसनी थी वो बरस चुकी है बकरताज में, और अटल टनल को टाटा बाय बाय बोल के हम चले हैं मनाली की ओर फिर से। जिस चीज का सपना था रोहतांग पास जाने का वो अधूरा है अब, क्योंकि कल से अब कोई भी गाड़ियां नहीं आएगी, 2 तारीख से पूर्णतः रोहतांग पास पे प्रतिबंध है सभी प्रकार के व्हीकल के लिए, तो आप रोहतांग पास का प्लान ना करें। अगर आपको जाना है तो आप खोक्सर तक जा सकते हो, सिसु तक जा सकते हो और गुलाबा कोठी तक जा सकते हो, बाकी रोहतांग पास क्लोज हो चुका है। होप गाइस आज वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।